वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाइपोथायरॉयडिज्म इस मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो मेरा नाम है ऋषिकेश कुराड़े, मैं हुआ एक हेल्थ केयर एडवाइजर एंड फार्मासिस्ट। तो आज की वीडियो में हाइपोथायरॉयडिज्म इस डिजीज कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं कि कौन से वेबसाइट के थ्रू मैं जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि वेबसाइट जो हमारे पास है एवरीडे हेल्थ, जिसमें टॉपिक है व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्टम्स कॉजेस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो डायरेक्टली इसी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्या है, तो इसका आंसर मैं करता हूँ कि हमारे पूरी बॉडी में एक जो कह लो कि एक ग्लैंड होती है हमारे इस नेक के रीजन में, बटरफ्लाई जैसी एक ऑर्गन कह लो, ग्लैंड कह लो, तो वहां से एक टाइप ऑफ हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है थायराइड हार्मोन। और इस थायराइड हार्मोन का बेसिकली काम ये है कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, सारे मेटाबॉलिज्म के जो भी कोई रिलेटेड वर्क होता है तो वो इस जो थायराइड जो हार्मोन है तो उससे किया जाता है। लेकिन जिस कंडीशन में इस थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड का प्रोडक्शन है वो नेसेसरी अमाउंट से अगर कम रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में जब हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या हमें साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे डिप्रेशन, मेमोरी डिक्लाइन, ड्राई स्किन, फटीग, वेट गेन, कोल्ड टॉलरेंस, इरेगुलर हेवी पीरियड्स, देन जॉइंट मसल एक और कॉन्स्टिपेशन, सारी बीमार जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो होती है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स मतलब देखिए अब देखिए वेट गेन, फटीग, सेंसिटिविटी टू कोल्ड टेम्परेचर, मतलब या इस जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जब हमें होती है तो उसमें वेट गेन होता है, मतलब मोटापा बढ़ता है, थकान महसूस होती है, हाँ हमें ज़्यादा ठंड जो है वो लगने लगती है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स मतलब जो वुमेंस पे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो वो हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, सोने में दिक्कत आ सकती है, कॉन्सेंट्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो जॉइंट है हमारे बॉडी के घुटनों के जॉइंट, हाथों के जॉइंट, तो वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई दे हमें मतलब दिखाई दे सकती है, देन कॉन्स्टिपेशन मतलब हमें जो है हमारी पेट बेसिकली साफ नहीं होता है, देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, मसल वीकनेस। अब देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो इसकी वजह से ये भी इंडिकेट करता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है और मसल वीकनेस। तो इन्हीं सिम्टम्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करता हूँ। तो देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी लो अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उसका जो काम है वो क्या है कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को फास्टन अप करना, मतलब बेसिकली थायराइड हार्मोन का काम यह कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करना। अब यहाँ पर थायराइड हार्मोन ही कम है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा नहीं, और अगर एनर्जी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं हुआ तो वो एनर्जी स्टोर रहती है बॉडी के अंदर और इसी चीज की वजह से पेशेंट जो है वो मोटा हो जाता है और वेट गेन होता है इस कंडीशन में। तो और यहाँ पर भी दो अलग अलग टाइप के जो है वो थायराइड होते हैं, एक है हाइपो और हाइपर। तो हाइपो का मतलब है कि उस कंडीशन में हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करती है, हाइपो का मतलब है कम और हाइपर का मतलब है ज्यादा। तो उस कंडीशन में थायराइड हार्मोन हद से ज्यादा रिलीज होता है तो वहां पर भी जो है वो वेट लॉस की कंडीशन हो जाती है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट वहां पर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और इसमें बेसिकली TSH दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन
एंड फ्री जो हार्मोन है जैसे कि T3 T4 जैसे जो हार्मोन्स है तो उनका डिटेक्शन किया जाता है। अब थायराइड की अगर किसी को कंडीशन है तो हमें पता कैसे चले कि थायराइड हुआ है, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट की जाती है और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ का जो एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई देती है थायराइड की कंडीशन में, और ब्लड टेस्ट में TSH लेवल चेक किए जाते हैं, T3 T4 के लेवल्स चेक किए जाते हैं इसकी डिटेक्शन। अब बात करते हैं इसकी रेमेडीज की, मतलब अब देखिए सिम्टम्स वगैरह हमने देख लिया कि वेट गेन वगैरह होता है और हमें थकान महसूस होती है और बहुत सारे जो है इसमें जो सिम्टम्स वगैरह है हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी रेमेडी बेसिकली ये है कि अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। देन अगर डाइट में आयोडीन की कमी है तो ज़रूर आपको लिमिटेड अमाउंट में आयोडीन का कंजम्पशन अपनी डाइट में रखना है। काफ़ी डॉक्टर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि उन्हें जो सोया चंक्स है वो नहीं खाने चाहिए। इसके पीछे रीज़न शायद ये हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर इससे होगा तो फिर ये भी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, तो इसीलिए कुछ लोग इसे भी खाने की ना खाने की सलाह देते हैं। देखिए डायग्नोस्टिक में भी फिजिकल एग्जाम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाई जाती है। तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं डाइट की, तो डाइट में देखिए जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फूड आइटम्स को यहाँ पर हमें लेना बंद करना पड़ सकता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, देन आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो भी बंद करने चाहिए, एंटासिड जिसमें एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम है तो ऐसे एंटासिड भी जो हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में लेना मना है। देन वॉलनट्स वगैरह हो गया, तो ऐसी जो चीज़ है वो हमें बिल्कुल भी अपने हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अबाउट थायराइड आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।